किन परिस्थिति में ऐसे हुआ और कौन इसमें दोषी कर्मचारी अधिकारी है, इसको चिन्हित करके जांच करने के लिए मेरे द्वारा समिति गठित कर दी गई है। शीघ्र ही जाँच आख्या प्राप्त होगा और इस पर उसके आख्या के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करनी होगी। हम इस वक्त मौजूद है कासमाबाद के सोनबरसा गांव में। हमने ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश की। इस कदर यहाँ पर शौचालय बनाया गया है लेकिन शौचालय भी पूरा नहीं हुआ है। इसमें बच्चों के खिलौने और जो भी वेस्टेज सामान है वो रखा गया है। अंडे का जो रखने का बर्तन होता है वो भी रखा गया है। टायर्स हैं और साइकिल के पहिए भी इसमें देख सकते हैं आप। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर क्यों ये शौचालय पूरा नहीं हो सका है। इनको मारा जाता है, जब बच्चे शौच करने बाहर जाते हैं तो उनको मारा भी जाता है, क्योंकि अभी इनका शौचालय तो बनाया गया है लेकिन शौचालय प्रयोग करने लायक नहीं है। अभी नहीं बनता है। तो आप ऐसे में आप कहाँ जाती? ऐसे में खेते में जाते हैं। तो वहाँ पे लोग मना करते हैं? सभी लोग मना भी कर रहे हैं, बताते भी हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण महिलाएं रात में जाया करती हैं शौचालय। पैखाना बनवाई नहीं, पूरा गरीब आदमी कहाँ समझे। तो सरकारी अनुदान सरकार से पैसे मिले शौचालय में? ना ना, हमको कुछ नहीं मिला, खाली ऐसे ही पैखाना मिले थे। यहाँ का सूर्य पलस्तर घर कुछ ना बह रहे, लहौदी उदी कुछ बनवाई नहीं अपने। तो आप ऐसे में शौचालय अपना बनवा लिए? पूरा नहीं, कम चलाओ कहीं लगे। तो उसमें जो खर्च लगा वो किसने दिया? वो हम समूह में वाला पैसा निकाल के खर्च के लिए। तो इस बारे में आपने ग्राम प्रधान से शिकायत की? शिकायत ये, खाली पानी बनवाएगा तो पानी ठीक है, बनवाई लेना। गाजीपुर में विकास की गंगा बह रही है लेकिन गांव इससे अछूते नजर आ रहे हैं। गांव के विकास की बात तो सरकार कर रही है लेकिन गाजीपुर के गाँवों के विकास नहीं हो रहे हैं। और जब तक गाजीपुर के गाँव के या किसी भी भारत के गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि भारत जो है वो गांवों में बसता है। गाजीपुर से उज्जवल राय टीवी के लिए।